बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे, यानी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आज हम जो मेथड अप्लाई करेंगे उसका नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। दिस मेथड वर्क्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस भी हो और लीनियर भी हो। लीनियर से क्या मुराद, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर वन होनी चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। देयर इज नो मिक्स डेरिवेटिव टर्म इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मिक्स डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड कंडीशन जो होगी ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर तो मिक्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो वो जस्ट एक जगह पर ही आना चाहिए, यानी एक जगह पर डिपेंडेंट वेरिएबल का मिक्स डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो फिर, या कह लें कि एक से ज़्यादा टर्म्स ऐसी हैं जिनमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, फिर मिक्स डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर कोई एक टर्म आ रही, जैसे पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू यू, अब यहाँ पे ये है कि एक जगह पे डेरिवेटिव आ रहा है इसमें मिक्सड हो सकता है, अगर एक से ज़्यादा जगह पर डेरिवेटिव आ रहे हैं वहाँ पर मिक्स डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए। तो फिर आप ये ईजिली मैथड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस डिपेंडिंग ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो भी गिवन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यू हो सकता है, वाई हो सकता है, एफ हो सकता है, फाई हो सकता है, साई हो सकता है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह आपने फंक्शन पुट कर देने। यहाँ पर ये कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जी, कैपिटल टी, ये फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल एक्स क्या है, ये फंक्शन है, जस्ट ओनली डिपेंड करता है किस पे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यानी ये जस्ट एक्स का फंक्शन होगा। कैपिटल वाई जस्ट वाई का फंक्शन होगा। कैपिटल जी जस्ट स्मॉल जी का फंक्शन होगा। कैपिटल टी जस्ट स्मॉल टी का फंक्शन होगा। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग आप उतने फंक्शन की प्रोडक्ट लिखेंगे, वो हम सोल्यूशन उस तरह का लेट करेंगे, फिर उसके उतने डेरिवेटिव बना के गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जी, कैपिटल टी एंड सो ऑन इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर वही जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये देखें दो जगह पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ये देखें मिक्स डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए था, यानी यहाँ पे अगर यू एक्स वाई आ जाता तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। और ये यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू, अब यहाँ पे देखें जस्ट एक जगह पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मिक्स हम यूज कर सकते हैं, यानी वो उसको हम किसी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड तो यही है कि हर जगह पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो, अगर एक से ज्यादा भी है तो वो जस्ट एक टर्म होनी चाहिए, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हम दो फंक्शन की प्रोडक्ट लेट करेंगे, एक फंक्शन है कैपिटल एक्स और एक फंक्शन है कैपिटल वाई। इनको हम एच जी एच की फॉर्म में भी लेट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह का वेरिएबल है उस तरह का हम ये फंक्शन लेट करेंगे, स्मॉल एक्स के कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई के कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल वाई, स्मॉल टी के कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल टी, इस तरह फंक्शन हम लेट किया करेंगे। अब इसको मैंने सिंपली कैपिटल एक्स डॉट कैपिटल वाई की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर एक्स और वाई ये वेरिएबल नहीं है, एक्स और वाई के हैं ये फंक्शन हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, एक्स और वाई के हैं फंक्शन है। एक्स क्या है, जस्ट एक्स का फंक्शन है और कैपिटल वाई क्या है, स्मॉल वाई का फंक्शन है, ये बात आपने याद रखनी है। अब जब इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि वाई तो जस्ट स्मॉल वाई का फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट ये कॉन्स्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स प्राइम वाई, और वाई के रिस्पेक्ट लेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट होगा वाई प्राइम। अब यहाँ पर वाई का हम डेरिवेटिव वन नहीं ले सकते, मैं कह रहा हूँ कि वाई क्या है, ये फंक्शन है, इसका हम जस्ट डेरिवेटिव लिख दिया वाई प्राइम। यूजिंग इन वन यू एक्स और यू वाई की वैल्यू इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे, एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अब हम इनको सेपरेट करेंगे, यानी एक्स वाली टर्म्स को हमने अलग करना है, वाई वाली टर्म्स को अलग करना है। एक्स प्राइम ये एक्स इस तरफ डिवाइड में आ गया, एक्स प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्राइम ओवर वाई। अब यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड जो है ये जस्ट स्मॉल एक्स का फंक्शन है और राइट साइड जो है ये जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल
स्मॉल वाई का फंक्शन है। तो इनको हम अब हम सेपरेट करेंगे, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे। तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये दो तीन लाइनें लाजमी लिखी नहीं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स, राइट हैंड साइड ओनली ऑन वाई एंड दे आर इक्वल। यहाँ पे स्मॉल एक्स है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जस्ट एक्स पे डिपेंड कर रही है और जो राइट हैंड साइड वो जस्ट स्मॉल वाई पे डिपेंड कर रही है और ये दोनों हैं भी इक्वल। देयर कॉमन वैल्यू कैन नॉट बी फंक्शन ऑफ आइदर एक्स और वाई। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जो होगी, यानी कॉमन वैल्यू, दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे यानी दोनों की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो सेम ही बनेगी, तो उनकी जो कॉमन वैल्यू बनेगी वो एक्स और वाई के फंक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो जस्ट एक्स है एक तो जस्ट वाई है। अगर तो जस्ट एक्स का ही हो, वाई वाला ना हो, तो फिर हम उसको जस्ट कहेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स का फंक्शन आएगा, वाई वाले को जब इंटीग्रेट करेंगे हम कहेंगे वाई का फंक्शन आएगा। लेकिन जब हमने दोनों को इक्वल करना है तो इक्वल में ये है कि एक्स और वाई यानी दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल तो ना हो सकते, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि उन दोनों की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो। देयरफॉर इट मस्ट बी कॉन्स्टेंट, यानी जब दो वैल्यूज डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इक्वल हैं तो हम उनको किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल लेट कर लिया करेंगे। तो यही मेथड बताने की कोशिश कर रहा था कि आपने जस्ट एक्स वाली टर्म्स अलग कर लेनी है, वाई वाली टर्म्स अलग कर लेनी है, अगर कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी टर्म्स भी अलग कर लेनी है और उन सभी को किसी एक कॉन्स्टेंट सी के इक्वल लेट कर लेना है। ये सिंगल डेरिवेटिव के लिए तो हम जस्ट सी लिखेंगे, जब डबल डेरिवेटिव में जाएंगे वहाँ पर हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लैम्डा स्क्वायर लिखते हैं, वो भी मैं बाद में बता दूंगा। यहाँ पे x प्राइम ओवर x इज इक्वल टू c और माइनस y प्राइम ओवर y इज इक्वल टू c, यानी दोनों को हम c के इक्वल लेट कर सकते हैं। यहाँ से x प्राइम इज इक्वल टू सी एक्स आएगा, x प्राइम माइनस सी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसकी एक्जिलरी इक्वेशन बनाए d माइनस सी ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से d की वैल्यू हमें मिलती है c, जिसका सोल्यूशन क्या बनेगा, कैपिटल x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल सी एक्स, क्योंकि कैपिटल x किसका तो फंक्शन था स्मॉल x का, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो भी स्मॉल x की फॉर्म में आएगा। सिमिलरली माइनस वाई प्राइम ओवर वाई इज इक्वल टू सी, माइनस वाई प्राइम इज इक्वल टू सी वाई, ये माइनस वाई प्राइम राइट पे आकर प्लस का हो गया, वाई प्राइम प्लस सी वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई प्राइम की जगह हमने डी डी ऑफ वाई इसको लिख सकते हैं, ये सी वाई है तो इनमें से वाई कॉमन ले लिया, डी प्लस सी ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इसकी एक्जिलरी इक्वेशन बनेगी डी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो डी की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस सी, तो यहाँ से वाई यानी दूसरा सोल्यूशन आएगा वो कॉन्स्टेंट इंटू सम एक्सपोनेंशियल माइनस सी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या था वाई, यानी वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था, तो एक्सपोनेंशियल माइनस सी वाई। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की हमने वैल्यू निकाल ली। हमने लेट क्या किया था, यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो अब हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी एक्सपोनेंशियल सी एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस सी वाई, ए बी एक्सपोनेंशियल सी कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई पावर्स ऐड होंगी, उनमें से हमने सी कॉमन ले लिया तो एक्सपोनेंशियल सी इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड आंसर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं, यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू, इसमें भी सेम हम लेट करेंगे, यू इज इक्वल टू एक्स वाई, यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई, यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम, यानी जब हम अब वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स प्राइम कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ यू एक्स वाई इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में वैल्यूज पुट कर दी, एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई टर्म्स अलग कर ली और वाई वाली टर्म्स अलग कर ली। और ये देखें यहाँ पे भी सेम एज इज, यानी ये लेफ्ट साइड क्या है, ये ओनली फंक्शन है एक्स का और ये ओनली फंक्शन है वाई का, तो इनकी जो वैल्यूज कॉमन वैल्यूज हैं वो किसी वेरिएबल के इक्वल नहीं हो सकती, किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल हो सकती हैं, तो उसको हमने सी से डिनोट कर दिया। एक्स प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू सी, ये तो सेम वैसे आ गया, डी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ए एक्सपोनेंशियल सी एक्स, राइट साइड पे वाई ओवर वाई प्राइम, यानी ये इस तरफ डिवाइड होगा ना, वाई ओवर वाई प्राइम इज इक्वल टू सी, पहले वाई की वैल्यू आएगी सी वाई प्राइम और ये इस तरफ आकर माइनस होगा सी वाई प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी जगह हम डी ऑफ वाई लिख सकते हैं, सी डी माइनस वन वाई कॉमन ले लिया इज इक्वल टू जीरो, इसकी एक्जिलरी इक्वेशन बनेगी सी डी माइनस वन, तो वहाँ से डी की वैल्यू वन ओवर सी मिलेगी, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, बी एक्सपोनेंशियल वन ओवर सी। अब ये किसके लिए इक्वेशन थी, ये कैपिटल वाई यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें स्मॉल वाई है, तो इसका सोल्यूशन भी स्मॉल वाई की फॉर्म में आएगा। हैंस यू इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी और वाई की वैल्यू भी पुट कर दी और पावर्स को जब एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर्स को हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 12 है, ये डॉक्टर नवाज़ अली शाह की बुक से लिया है। यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वाई यू, यानी इसको भी हमने बाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व करना है। यहाँ पे
ऊपर लिख भी सकते हैं या गिवन होगा, अगर गिवन नहीं भी होगा फिर हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, यानी जो मेथड हमें आसान लगे। लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाए कि किस मेथड से सॉल्व करना है फिर हम उसी से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या था कि इसमें हमने बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना है। यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वाई यू, और एक्स स्क्र यू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्र यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें मिक्स डेरिवेटिव आ गया, तो मिक्स डेरिवेटिव में यानी डेरिवेटिव वाली टर्म ही एक है तब मिक्स आ सकता है। अगर फर्ज करें यहाँ पे भी हम कहते हैं यू एक्स, यानी यहाँ पे भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता, फिर इसको जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से फिर ये डिफिकल्ट हो जाता है, फिर हम उससे सॉल्व नहीं करते। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने लगे यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो उस तरह की फॉर्म सॉल्यूशन लेट कर लिया। यू एक्स की वैल्यू एक्स प्राइम वाई और यू वाई की वैल्यू एक्स वाई प्राइम, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई। एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, या यहाँ से कह लें कि उस तरह जाकर डिवाइड होंगे, तो वाई से वाई कैंसिल होगा, एक्स प्राइम ओवर एक्स प्लस वाई प्राइम ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। अब हमने सेपरेट करनी है, यानी एक्स वाली टर्म्स अलग करनी है, वाई वाली टर्म्स अलग करनी है। तो ये टू एक्स को हम लेफ्ट पे ले जाते हैं, तो एक्स प्राइम ओवर एक्स माइनस टू एक्स ये एक्स वाली टर्म बन गई, और राइट साइड पे ये वाली टर्म जो होगी इसको हम राइट पे लेकर माइनस कर देते हैं, टू वाई माइनस वाई प्राइम ओवर वाई। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या है, ये जस्ट एक्स के फंक्शन है और ये जस्ट वाई के फंक्शन है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इनकी जो कॉमन वैल्यूज है वो किसी वेरिएबल के इक्वल नहीं हो सकती, किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल हो सकती है, तो उसको हमने सी से डिनोट कर दिया। एक्स प्राइम ओवर एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू सी, टू वाई माइनस वाई प्राइम ओवर वाई इज इक्वल टू सी। पहले मैंने जस्ट इसको सॉल्व किया है, इंटीग्रेट करेंगे एक्स प्राइम ओवर एक्स एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, माइनस इसकी इंटीग्रेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में इंटीग्रेशन बनेगी सी एक्स, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप जस्ट कोई वैसे भी कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हैं या नेचुरल लॉग के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखें तो नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नेचर लॉग ऑफ ए की फॉर्म में कॉन्स्टेंट लेट कर लिया, नेचर लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आई, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर राइट पे जाकर प्लस का हो जाएगा, सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस नेचर लॉग ऑफ ए आएगा, यहाँ पे एक टर्म मैंने नहीं लिखी। एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, दोनों लेफ्ट साइड को भी हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे और राइट साइड को भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड में एक्सपोनेंशियल से नेचर लॉग कैंसिल हो जाएगा, यानी ये एंटी लॉग कह लें, तो जस्ट एक्स बचेगा, और राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल सी एक्स प्लस एक्स के प्लस नेचर लॉग ऑफ एक्स। और यहाँ पे जब हम पावर्स अलग अलग करेंगे, इतनी पावर मैं अलग कर देता हूँ और आगे नेचर लॉग ऑफ ए की ये पावर इतनी अलग कर लेते हैं, तो इसकी पावर जब अलग करेंगे एक्सपोनेंशियल नेचर लॉग ऑफ ए, तो एक्सपोनेंशियल से नेचर लॉग कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ए बचेगा, वो मल्टीपल में मैंने लिख दिया। एक्स की वैल्यू क्या बनी, ए एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। सिमिलरली अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, टू वाई माइनस वाई प्राइम ओवर वाई इज इक्वल टू सी, ये सी को मैं लेफ्ट पे ले आया, यानी टू वाई माइनस वाई बनेगा और वाई प्राइम ओवर वाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेट में वाई और उसका ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई लिखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस सी वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी एड कर दिया। इसको भी सेम वाई कैसे निकाल लें, दोनों को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ से इसका एक्सपोनेंशियल कैंसिल होगा, जब हम पावर्स अलग अलग करेंगे वो बी मैंने एज ए मल्टीपल में लिख दिया, तो वाई की वैल्यू बनी बी एक्सपोनेंशियल वाई स्क्वायर माइनस सी वाई। हैंस यू इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी और वाई की वैल्यू भी पुट कर दी। और यहाँ पे मैंने इनकी पावर्स को भी ऐड कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स के प्लस वाई के प्लस सी एक्स माइनस सी वाई, उन दोनों में से सी भी कॉमन ले लिया, तो सी इंटू एक्स माइनस वाई। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्र यू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्र यू इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी हम सोल्यूशन इसी तरह के लेट करेंगे, यू इज इक्वल टू एक्स वाई यू एक्स एक्स प्राइम वाई और यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम। सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें एक्स स्क्र एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस थ्री वाई स्क्र एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें हमने एक्स वाई टर्म्स अलग करनी है और वाई वाली टर्म्स अलग करनी है, तो इसको मैं राइट पे ले गया, फिर मैंने ये एक्स था इसके डिनोमिनेटर में ले आया एक्स स्क्र एक्स प्राइम ओवर एक्स, और ये वाई प्राइम राइट साइड पे डिनोमिनेटर में चला गया, नेगेटिव थ्री वाई स्क्र वाई ओवर वाई प्राइम, इसको मैंने किसी कॉन्स्टेंट सी के इक्वल एड कर दी। अब ये दोनों इक्वेशन एक्स स्क्र एक्स प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू सी माइनस थ्री वाई स्क्र वाई और वाई प्राइम इज इक्वल टू सी, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज इनमें से फाइंड आउट करेंगे। सॉल्विंग थ्री एक्स स्क्र एक्स प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू सी, ये एक्स स्क्र को मैं राइट साइड पे ले गया ताकि इंटीग्रेशन में आसानी हो, एक्स प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू सी ओवर एक्स स्क्र,
दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पे वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस वन ओवर एक्स होती है, और यहाँ पे सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर मैंने नेचुरल लॉग की फॉर्म में ही एड कर दिया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस सी ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। जब एक्सपोनेंशियल को हम अलग अलग करेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस सी ओवर एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ ए, तो एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ से कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा, ए को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, एक्स इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस सी ओवर एक्स। सॉल्विंग फोर, माइनस थ्री वाई स्क्वायर वाई ओवर वाई प्राइम इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से y प्राइम यहाँ पे मैं राइट पे ले गया और y इसके डिनोमिनेटर में, यानी राइट साइड पे बनेगा y प्राइम ओवर y, और लेफ्ट साइड पे बनेगा नेगेटिव थ्री वाई स्क्वायर ओवर c, यानी ये c को मैं लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में लिया है, या y प्राइम ओवर y इसको मैंने लेफ्ट पे लिख लिया, माइनस थ्री वाई स्क्वायर ओवर c। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ y, राइट साइड पे इसकी इंटीग्रेशन बनेगी माइनस, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी वाई क्यूब बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल होगा, नेगेटिव वाई क्यूब बाई सी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b। तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जब हम इन दोनों को लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को e की पावर में लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड में e से नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, और यहाँ से जब इसको लिखेंगे डॉट इसको लिखा जाएगा, क्योंकि पावर्स ऐड हो रही हैं, तो फिर हम फंक्शन को अलग अलग कर देंगे, यानी फंक्शन को डॉट में लिख देंगे, लिखा जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस वाई क्यूब ओवर सी डॉट एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो जो डॉट में हमने एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग लिखा है वो ई से नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा, डॉट में क्या आएगा बी, तो हमने लिख दिया वाई इज इक्वल टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई क्यूब ओवर सी। सोल्यूशन क्या हमने लेट किया था, यू इज इक्वल टू एक्स वाई ए बी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स और वाई की वैल्यूज को, और पावर्स को भी मैंने ऐड कर दिया, माइनस सी ओवर एक्स माइनस वाई क्यूब बाई सी। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का।